अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों के लाई हूँ मज़ेदार चटपटी मसालेदार दाल चना की रेसिपी, जो आप बाहर होटल की तो भूल ही जाएंगे अगर ये खा ली तो आपने। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल लेंगे हाफ कप, उसको हल्का सा गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अनियन एक लार्ज बड़ी, और इसको हम इतना फ्राई कर लेंगे जैसे ब्राउन होनी चाहिए, ब्राउन ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब ब्राउन हो तो हम इसको निकाल लेंगे। सही है? तो जी प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसी ऑयल में हम जीरा ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और इसे फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हल्का सा भूनने के बाद फिर हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि लाल पीसी मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, फिर इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। तो जी ये भुन चुका है अच्छी तरह। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे टोमेटोज 2 लार्ज, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6, और अदरक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अभी सारी चीज़ें ऐड करके हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह। तो जी ये देखें मसाला जो है वो भुन चुका है। अब इसमें जो हमने प्याज ब्राउन की थी वो ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह प्याज इसमें मिक्स हो गई है। अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे, हमने दाल को बॉईल कर लिया था पहले, अब ये दाल ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम 10 मिनट इसको दम पर रख देंगे। तो जी दाल में बॉईल आ चुका है, अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, और मिंट ऐड करेंगे थोड़ा सा, पुदीना, और उसके बाद जो है हम ऐड करेंगे इमली का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो जी हमारी मज़ेदार चटपटी और मसालेदार दाल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, इससे पहले नहीं जाइएगा। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।